हाँ जी, सत श्री अकाल जी। की हाल चाल ने? उम्मीद करता हूँ तुम सारे ठीक होंगे। तो पर अज मैं थोड़ा जहा घट ठीक हाँ। पहले मैं दस दवा मैं है कितने। अनचुक करके एक अंकल ने अपने ना, तुम पिछले ब्लॉग भी देखे हो उन्होंने, जिन्हों को मैं जियो का नंबर लिया। सो उन्होंने मैंने कहा, कहते भी कोई गल नहीं, तुम रहना चाहते मेरे घर च रह सकते हो। सो मैं इतने उत्तर जो अपना लास्ट ब्लॉग से अपना दम चढ़ रहा यार अज, क्योंकि ना तबीयत थोड़ी रात की खराब है। सो थिक्से जो लास्ट अपना ब्लॉग सेगा उतों मैं उस वे रहा नहीं, उतो लिफ्ट लैके रात में आ गया सीगा वापस, तो इतने आया तो अंकल कहते इतने रह जा। ठीक है, सो ठीक मैं क्यों नहीं है, क्योंकि यार रात का पता नहीं की होया, थोड़ा ऑक्सीजन लैवल घटे हुआ है, तो थोड़ा जहा दम बहुत जल्दी चढ़ रहा है। तो अज सब तो बड़ी चढ़ाई भी चढ़नी है, जी दुनिया की सब तो बड़ी चढ़ाई है, खुरदुंग खरदुंगला पास। खरदुंगला पास चढ़ना है, 5600 कुछ मीटर पर है। चलो ठीक है, फिर चलते हैं अपना। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, मैं ऑक्सीजन सिलेंडर लगता फिर पर मिले नहीं रहा, उतो भार उतो मास्क ही लाना पैंता है, इतने रूल करता मास्क का। लो जी, सवेर की अपन पहली लिफ्ट मिल गई है, एक ऑक्सीजन टैंक लेना से फिलहाल नहीं मिले, तो देख रहे हैं फिर कितने मिलता पर अपना लिफ्ट मिल गई है। चलो आप फिर चलते हैं पोलो ग्राउंड है इतने उद तक, उस तो बाद देख रहे हैं कि लिफ्ट अपन मिलती है कि नहीं। एक चीज़ जी मैं दसनी सी वो ये है कि एक तुम्हें परमिट लेना पैंदा, मैं 5 दिन का परमिट लिया 500 रुपए का, मतलब 400 कुछ फीस होंगी है बाकी। ठीक है, तुम ऑनलाइन भी ले सकते हो या फिर तुम किसी कैफे तो भी कढ़वा सकते हो। चलो ठीक है, हम आप देखते हैं जो अपन मिल जाए लिफ्ट, नहीं फिर थोड़ा जहा होर उत्ते तुर के जाऊँगे। इतने चैक पोस्ट है, चैक पोस्ट तक चले गए तो उत्थे शायद अपन कोई राह बन जाए उतों। तो मास्क मैं तां लाया क्योंकि 500 रुपए चलान है मास्क के इतने। लो जी, लिफ्ट आपां नूं मिल गई है, टाइम तो हो गया सर 11:30 बज गए, मैनू जल्दी आना चाहिए सी पर लिफ्ट मिल गई है। वाहेगुरु ने सुन ली अपनी, अपने सर भेजते तो इन्हें लिफ्ट देती है, जा रहे हैं 70 किलोमीटर तक खारदुंग। सो चलो खारदुंग तक तो लिफ्ट मिली, अगे अपना 50 किलोमीटर रह जूगा, वो देखने आप जिमें होगा। तो हूँ अपना आना टॉप खारदुंगला टॉप, सो दिखाने तुम। परमिट चेक करा रहे हैं, तो परमिट जरूरी है, परमिट लेके आना। हाँ लो जी, आप पहुँच गए टॉप के उत्ते, पूरा प्रबंध किया हुआ सारा मिलिट्री ने सारा भी, ऑक्सीजन वगैरह ठीक है, फर्स्ट एड वाले तुम मिलिट्री भी देख सकते हो बढ़िया। पहुँच गए आप टॉपिस टॉपिस। लो जी, आप पानी पूनी ले लिया, तो खाण पीन समान थोड़ा बहुत, तो आप बस हम निकलते हैं इतों, क्योंकि ज़्यादा टाइम खड़न का कोई फायदा नहीं है। पर इस जगह के उत्ते मिलिट्री ने सारे इंतजाम किए हुए हैं, कई बार ऑक्सीजन की किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, एंबूलेंस मेडिकल सारा कुछ इतने। वैसे वो लोगों की कमाल की गल है, गलत गल है, जो हम कुछ लोग देखो उत्ते तक चढ़े हुए हैं, ठीक है, और देखो उत्त तक गलत गल है, मिलिट्री लिए थोड़ा जहा औखा हो जाता चीज़ें। अपने इतों जल्दी ना निकलीए, थले पहुँचिए। चलो जी, आप इतों चल रहे नीचे। एक गल होर भी है, जो जिमें जिमें आप नीचे जाने ना, नाल दी नाले मतलब ऑक्सीजन लैवल बदलन लग जाता है। हाँ देखो, उसे पूरी बर्फ है भाई, रुके पे बर्फ, मतलब हूँ तो थोड़ा सीजन है, बर्फ घट है, वरना तो सर बहुत ज़्यादा बर्फ होती है यहाँ पे। जी, फिर आप बर्फ में जाते हो यहाँ से? जी, गाड़ी फिर फिसल फुसलने का डर रहता है? डर तो रहता है भाई। सो अपना जेड़ा, सो अपना जेड़ा आइडिया सीगा भी लेह दे विच एक दो दिन बैठना, छोटे छोटे पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना, ठीक है, ता जो भी आप यूज टू हो जाइए पहाड़ों के, वो अपना वधिया रहा, क्योंकि जिवें कि मैं ना कल्ला आ रहा सीगा, थोड़ा सेफ्टी इशू भी हो जाता ना जो कल्ले ने, फिर कड़ा तुम्हें सामने वाला आता, इसलिए मैं जो सारे सेफ्टी मेजरमेंट से सारे उन्होंने मैं मतलब ध्यान च रख के थोड़ा जहा यूज टू हो के सारा, फिर पहाड़ आया हूँ अपने सब तो टॉप का पहाड़ है जोड़ा, वो भी चलो फतेह कर लिया, आई एम वेरी फीलिंग गुड हैप्पी।
ਫੁੱਲੂ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾਰਥ ਫੁੱਲੂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗਾ ਮਿਲਟਰੀ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਢਾਬੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁੰਦਰ ਵਿਲੇਜ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਿਕਸ਼ਿਤ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁੱਡ ਆ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਰਮਿਟ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਢਾਬੇ ਆ ਗਏ ਲੋਕ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਚਾਹ ਚੂਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਓਹੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਈ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਚੂਹ ਪੀ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਲਿਫਟ ਲੱਭਾਂਗੇ ਅਣਜਾਣ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਕੀ ਹੈ ਪਰ ਐਡਵੈਂਚਰ ਵੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਬਾਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਬਾਈ ਆਪ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਗਿਆ ਦੇਖ ਪੁੱਛਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਦਿੰਦਾ ਟਰੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਲੋ ਸਰ ਜੁਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਮਰਸਲੰਗ ਅਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬਈ ਚਲੋ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਸੋ ਦਿਕਸ਼ਿਤ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਚੂ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਫਟ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨੈਕਸਟ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਉਤਾਰ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਗਿਆ ਆਹ ਟਰੱਕ ਹੈ ਇਹ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ ਸੋ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਸ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਫਟ ਮੰਗਾਂਗੇ ਦਿਕਸ਼ਿਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸੋ ਚਲੋ ਬਾਈ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਰੱਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਮੋਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮੋਮੋਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਹੈਗਾ ਸਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਤਰਪਾਲ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਗ ਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਰਾਹ ਵੀ ਬੈਗ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਅਭੀ ਗੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਅਭੀ ਗੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਅਭੀ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਛਾ ਅਭੀ ਕਾ ਕਾ ਕਾਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਟੀ ਮੋੜ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਟੀ ਮੋੜ ਤੱਕ ਛੋੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੜੀ ਆਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਐਸਾ ਵਾਲਾ ਗੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਸਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਮੂਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦੂਗਾ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਦਿਸਕਿਟ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਫਟ ਮਿਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਲ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਟੈਂਟ ਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਕਹੇ ਬਹੁਤ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਯੂਪੀ ਯੂਪੀ ਕਾ ਲੇਬਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਕਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਕਾ ਲੇਬਰ ਆਪ ਟਰੱਕ ਚਲਾਤਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਂ ਕਿਤਨਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਜਾਤਾ ਹੈ ਹਫਤੇ ਮੇ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਮੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਜਾਤਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਕਹਾਂ ਸਰ ਲੇ ਸੇ ਰੁਕਾ ਲੇ ਸੇ ਚੰਗਤਾਂ ਲੇ ਸੇ ਅੱਛੇ ਗੋਮ ਯਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ तो मुझे सर मतलब आगे ना दीक्षित से जाके मैं तुरतुक जाऊंगा तुरतुक से फिर मुझे आगे पेंगोंग जाना है मतलब लेफ्ट लेके अच्छा कहाँ से सर आएगा वो आप यहाँ से दीक्षित जाएगा ना हाँ जी वो दीक्षित से जाएगा ना वहाँ से तुरतुक पहुँच जाएगा हाँ जी जब तुरतुक से वापस आएगा हाँ जी तो वहाँ से आके दीक्षित में फिर एक लेफ्ट पकड़ लेना फिर वहाँ से मिलेगा आपको पेंगोंग पेंगोंग जाएगा तो यहाँ से नहीं आएगा वहाँ से सीधा शहर होके जाएगा ठीक है शहर पेंगोंग निकल जाएगा ओके ओके में फिर वहाँ से आके फिर चंगला पार करके वापस फिर लेने पड़ जाएगा ओके 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 अगर यहाँ से जाएगा तो ये दो बार आपको पार करना पड़ेगा ये खड़ूंगा हाँ ये तो फिर ले में पहुँचेगा ले से फिर चंगला हाँ वहाँ से चंगला पार करके आप पहुँचेगा
अपना स्टेशन ही आ गया फिर यहाँ से मिल जाएगा दीक्षित के लिए ना। हाँ जी उधर ये इधर किधर जाते सर ये पनामिक सुनूर ये बेस के ओके सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू झूले यार थैंक यू झूले चलता है ओके झूले हाँ हमारा झूले बाय 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 टाटा सब कुछ ओके झूले झूले तो ये देख सकते हो पता नहीं कितने का पहुंच गए अपन तैमूर तैमूर भाई तो चला गया सीधा आप जाना इस साइड ये फिलहाल थोड़ा बहुत कुछ खा लिए सामने है थोड़ा रेस्टोरेंट फिर आप चलते हैं तो जो नहीं हों हॉलीवुड फिल्मों के बहुत दूर जो पिंड आते हैं फिर उमें जो काम होया पे हॉलीवुड स्टाइल से देखो आले दुआले पहाड़ ने बचाले कुछ दुकाना आ जा कोई लिफ्ट कोई बस कोई गड्डी आ जा आ जा आ जा लो जी देखो कितने पहुँच गए अपना क्योंकि अपने लिए लिफ्ट दिती है उसी एस एच ओ सी नाल एक अद्धा होर अफसर सी उन्होंने मैंने बिठा दिया उतो मैं आ गया कोई चक्कर नहीं लो जी पहुँच गए आप ਹੁੰਦਰ ਨੇ ਘੁਮਾ ਤੇ ਭਵਿੰਦਰ ਭਮੱਖੜ ਘੁਮਾ ਤੇ